हम इस क्लास में तुम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज हम इस क्लास में पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि ये कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म अगर कोई भी नंबर है तो किसी भी नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं। किसी भी नंबर को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। जैसे ये 8, ये 8 क्या हो गया, कांस्टेंट। 6 क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना करे, जो हमेशा क्या रहे, फिक्स्ड। जो भी चीज हमेशा सेम होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। जैसे अगर हम यहां पे बोर्ड पे लिख दे कि ये क्या है, अगर हम किसी से पूछे कि लालू तुम बताओ भाई ये क्या है, तो वो बोलेगा 8। अगर हम रिंकी से पूछे रिंकी तुम बताओ ये क्या है, तो ये 8। और ये सबके लिए 8 है, मेरे लिए भी 8 है, लालू के लिए भी 8 है, रिंकी के लिए भी 8 है, और बाकी किसी से भी अगर हम पूछे तो ये 8 ही है, ये चेंज नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से। जब कभी भी तुम्हारे पास कोई नंबर है तो नंबर का मतलब ही होता है कांस्टेंट। याद रखें, नंबर का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट। नंबर कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से। आगे तुम लोग पढ़ोगे कि कांस्टेंट दो तरह का होता है, अभी उसका जरूरत नहीं है। तो कांस्टेंट के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना कि किसी भी नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चेंज करे, जो क्या करे, चेंज। मतलब मेरे लिए कोई और वैल्यू हो, लालू के लिए कोई और वैल्यू हो, और रिंकी के लिए कोई और वैल्यू है। जैसे अगर हम यहां पे बात करें सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल की, तो सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। यहां पे r क्या है, रेडियस। अगर कोई सर्किल ऐसा है और इसका रेडियस 2 है, तो यहां पे रेडियस जो है वो किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर, तो ये क्या बनेगा, 4π। लेकिन अगर कोई सर्किल ऐसा है जिसका रेडियस 3 है, तो यहां पे रेडियस क्या हो गया, 3। तो यहां पे r की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3। तो जैसे ही हम r की जगह पे 3 रखें तो ये क्या हो गया, 6π। अगर और एक बड़ा हम सर्किल ले लें, तो अगर और बड़ा सर्किल ले लें तो यहां पे रेडियस क्या हो गया, 4। तो हम r की जगह पे क्या रखेंगे, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 8π। तो गौर करो, मेरे पास अगर ये सर्किल है तो मेरे लिए r का वैल्यू क्या हो गया, 2। लालू के पास अगर ये सर्किल है तो लालू के लिए r का वैल्यू क्या हो गया, 3। और अगर रिंकी के पास ये सर्किल है तो वहां रिंकी के लिए r का वैल्यू क्या हो गया, 4। तो यहां पे r का जो वैल्यू है वो पर्सन टू पर्सन क्या हुआ, चेंज किया। मेरे लिए r है 2, लालू के लिए r है 3, और रिंकी के लिए r है 4। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या किया, चेंज। तो जब कभी भी कोई भी चीज चेंज करे, जब कभी भी कोई भी चीज पर्सन टू पर्सन क्या करे, चेंज करता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। याद रखे, जो चेंज करता है वो वेरिएबल, और जो फिक्स्ड होता है, जो सबके लिए सेम हो, वो क्या होता है, कांस्टेंट। जो सबके लिए सेम हो वो क्या होगा, कांस्टेंट, और जो चेंज करता है वो क्या होता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम जनरली अल्फाबेट से लिखते हैं। वेरिएबल को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट से, एक्स से, वाई से, जेड से, आर से, दीज आर व्हाट, वेरिएबल। और कांस्टेंट को हम सिंपली नंबर से लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, -6, -7, 3/2, √7, ये सब का सब क्या है, कांस्टेंट। अब हम यहां पे देखते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन, ऑपरेशन दो नंबर को हम जोड़ेंगे कैसे, दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। जब कभी भी दो नंबर को कंबाइन करना हो, जब कभी भी दो चीजों को कंबाइन करना हो, तो दो चीजों को कंबाइन करने के लिए मैथ्स में अलजेब्रिक ऑपरेशन आता है। और अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होता है वो चार होता है, एक एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लीकेशन, और चौथा डिवीजन। याद रखे, मैथ्स में जब कभी भी दो चीजों को कंबाइन करना हो, मैथ्स में जब कभी भी दो चीजों को कंबाइन करना हो, तो उस केस में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हेल्प लेते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चार होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो अब सवाल यह उठता है कि सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
तीन चीजों के मदद से बनता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जब कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन तीनों को मिला के हम लिखते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ध्यान दे, वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक ऑपरेशन, जब इन तीनों को मिलाकर हम एक नया, जब हम इन तीनों को मिला के कुछ भी लिख देंगे तो वही कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर हम लिख दिए 2x प्लस 5, गौर करें यहां पे 2 और 5 क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल, और ये प्लस क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन, तो ये कंप्लीट बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, तो गौर करो ये x क्या है, वेरिएबल, ये 3, 2 और 7 क्या है, कांस्टेंट, और यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है, तो ये कंप्लीट क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो कांस्टेंट का, वेरिएबल का और अलजेब्रिक ऑपरेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो तीन चीजों के मदद से बनता है, किसके किसके मदद से, तो कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। जैसे अगर हम लिख दिए 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 5x प्लस 4, यहां पे गौर करो ये x क्या है, वेरिएबल है। यहां पे अगर हम देखें ये 2, 3, 5 और 4 क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे अगर हम देखें तो ये माइनस, प्लस और ये डिवीजन, माइनस, प्लस और डिवीजन, ये क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम यहां पे अभी तक क्या क्या देखे, तो हम कांस्टेंट देखे। कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स्ड हो, जो कभी चेंज ना करे। कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर से। फिर हम क्या देखे, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि वो वेरिएबल हम उसको कहते हैं जो चेंज करे, वेरिएबल हम उसको कहते हैं जो चेंज करे। जैसे x, अब मेरे लिए x का वैल्यू मानो 2 है, लालू के लिए मानो 3 है, रिंकी के लिए मानो 4 है, तो यहां पे x का वैल्यू क्या किया, चेंज, एक बार 2, फिर 3 और फिर 4, तो ये कहलाता है वेरिएबल। फिर आता है अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, मैथ्स में 4 अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है। अलजेब्रिक ऑपरेशन का क्या काम है, मैथ्स में दो चीजों को वो क्या करता है, कंबाइन। जब कभी भी दो चीजों को कंबाइन करेंगे तो हम अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से करते हैं। फिर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम यहां पे देखते हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स, टर्म्स क्या होता है, जैसे अगर हम कुछ लिख दें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये हम लिख दिया आराम से। अब जरा गौर करें, ये क्या है, सबसे पहले यही लिखा हुआ, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। ये क्या है, सेकेंड टर्म। ये क्या है, थर्ड टर्म। ये जो है, ये और ये क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, टर्म। ध्यान दे, 2x स्क्वायर एक टर्म हो गया, 5x एक टर्म हो गया, इनफैक्ट माइनस है तो माइनस 5x एक टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, 7। टर्म को हम हमेशा साइन के साथ लिखेंगे। जैसे अगर मेरे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें टर्म क्या है, 4 एक टर्म हो गया, प्लस 9x एक टर्म है, माइनस 5x स्क्वायर इंटू वाई एक टर्म है, और ये 3/8x इंटू वाई एक क्या है, टर्म। अगर मेरे पास है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 8, अगर हम यहां पे पूछे कि बताओ टर्म कौन कौन है, तो टर्म में क्या क्या बताओगे, 4x क्यूब एक टर्म है, माइनस 6x स्क्वायर एक टर्म, 7y एक टर्म और 8 एक टर्म है। तो टर्म का मतलब समझ में आया, जो अलजेब्रिक ऑपरेशन जो दो नंबर को कंबाइन कर रहा है, जो दो चीजों को कंबाइन कर रहा है, अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या करता है, वो टर्म को कंबाइन करता है। तो यहां पे देखिए, सब्ट्रैक्शन क्या किया, दो टर्म को कंबाइन किया, एडिशन क्या किया, दो टर्म को कंबाइन किया, और एडिशन भी क्या किया, दो टर्म को कंबाइन किया। तो ये था टर्म। अब कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है, गौर करें, अगर मेरे पास है 4x क्यूब
माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन। अगर आपसे कोई पूछा कि x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, x क्यूब का, तो आप सीधा x क्यूब को ढूंढे। x क्यूब देखिए यहां पे दिख रहा है, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा है, तो x क्यूब के साथ क्या दिख रहा है, x क्यूब के साथ, तो x क्यूब के साथ क्या दिख रहा, 4। तो 4 जो हो गया वो x क्यूब का कोएफिशिएंट हो गया। अगर कोई पूछा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या, तो सीधा x स्क्वायर पर नजर डालो, x स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा, माइनस थ्री, तो ये माइनस थ्री जो हो गया वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x पूछे, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x का पावर 1 को देखो, तो x का पावर 1 यहीं पे है, इसके साथ कौन है, 2, तो 2 जो हो गया वो x का कोएफिशिएंट हो गया। और ये 7 को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म या x का पावर 0 का कोएफिशिएंट। ये क्या बनेगा, 7 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, तो इस 7 को हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं और x का पावर 0 का कोएफिशिएंट। अगर आपके पास है 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस सेवन एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन, यहां पे अगर कोई पूछा कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई के साथ क्या है, 3 है, तो 3 कोएफिशिएंट हो गया। अगर कोई पूछा है x का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहां पे देखो कि x के साथ क्या है, तो x के साथ क्या है, माइनस सेवन, तो माइनस सेवन कोएफिशिएंट हो गया। अगर कोई पूछा y का कोएफिशिएंट, तो y के साथ क्या है, 2, तो 2 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस सेवन, या x का पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस सेवन। इसी में जरा गौर करना, अगर कोई यहां पर पूछ दिया कि अच्छा बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या दिख रहा है वहां पे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ध्यान दे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 3y, तो 3y जो हो गया वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया। अगर कोई पूछ दे कि y का कोएफिशिएंट क्या होगा इसमें, y का कोएफिशिएंट इसमें, तो y के साथ क्या दिख रहा है, ये 3x स्क्वायर, तो इसमें इस वाले में y का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 3x स्क्वायर। तो जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, पहले उस टर्म को देख रहे, उसके अलावा जो भी उसके साथ है वो सब कोएफिशिएंट के कैटेगरी में जाएगा, जो भी उसके साथ है वो सब कोएफिशिएंट के कैटेगरी में जाएगा, ये याद रखे। तो कोएफिशिएंट यही था, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपके पास है 7y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0, अगर यहां कोई पूछ दिया y क्यूब का कोएफिशिएंट, तो y क्यूब के साथ क्या दिख रहा है, 7, तो 7। अगर कोई पूछ दिया y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो y स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, माइनस 3, तो माइनस 3। अगर कोई पूछ दिया y का कोएफिशिएंट, y का, तो y के साथ क्या दिख रहा है, 7x, तो 7x कोएफिशिएंट हो गया। अगर x का पूछा तो 7y, अगर x y का पूछा तो x y के साथ क्या है, 7, तो 7। फिर यहां पे आपके पास क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 6। तो ये था कोएफिशिएंट का कंसेप्ट। अब हम यहां देखते हैं पावर ऑफ टर्म्स, पावर क्या होता, पावर, जैसे आपके पास है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, पावर पूछा गया, तो इसको देखें यहां पे, सबसे पहले पहचाने वेरिएबल कौन है। पावर जो होता है वो वेरिएबल से रिलेटेड होता है, पावर किससे रिलेटेड होता है, वेरिएबल से, कांस्टेंट से रिलेटेड नहीं होता, उसको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। यहां पे देखिए वेरिएबल कौन है, x, तो x के हेड पे कौन है, 3, तो ये 3 हो गया पावर, किसका पावर, तो 6x क्यूब का पावर, किसका पावर, तो फर्स्ट टर्म का पावर। यहां पे अगर कोई पूछा कि सेकेंड टर्म का पावर क्या, सेकेंड टर्म का, तो सेकेंड टर्म में देखिए वेरिएबल कौन है, x है, और x के पावर में क्या है, 2, तो x के हेड पे 2 है, तो इस टर्म का पावर जो हो गया वो 2 हो गया। अगर यहां पे कोई पूछा कि इसका पावर क्या है, तो यहां पे गौर करें वेरिएबल कौन है, x, और x के हेड पे कौन है, 1, तो इस टर्म का पावर हो गया 1। यहां पे x तो दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लिखेंगे x का पावर 0। अब गौर करें यहां वेरिएबल कौन है, x, x के पावर में क्या है, 0, तो 0 इसका हो गया पावर। याद रखें पावर का मतलब होता है वेरिएबल के हेड पे जो है, वेरिएबल के हेड पे जो है, जिस टर्म का आप पावर निकाल रहे हैं
उस टर्म में देखें कि वेरिएबल कौन है, उसके हेड पे क्या। जैसे अगर आपके पास एक एग्जांपल है ऐसा, 7x³(y+3x²)(y²) - 7√x+6। अगर यहां पे कोई पूछे कि बताओ पावर क्या, तो फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में कौन कौन वेरिएबल दिख रहा, तो एक x क्यूब दिख रहा और एक y दिख रहा। यहां पे 3 और पावर में y के पावर में कौन है 1, तो यहां ये दोनों वेरिएबल है, तो दोनों के पावर को जोड़ दे, 3+1 = 4। तो इस टर्म का जो पावर होगा वो 4 होगा। इस टर्म का पावर क्या होगा? 4। अगर इस टर्म का पावर पूछा तो इस टर्म में देखो कि वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई है, इन दोनों के पावर को जोड़ दो, दोनों के पावर को, तो ये 2 है ये 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। तो इसका भी पावर क्या हो गया 4। अगर इस टर्म का पावर पूछा तो इसमें वेरिएबल कौन है, रूट एक्स, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 7, एक्स का पावर 1/2 ना, तो x के पावर में क्या दिख रहा 1/2, तो इस टर्म का पावर क्या हो गया 1/2। यहां 6 है, इसमें हम लिख सकते हैं x का पावर 0। यहां पे देखें वेरिएबल कौन है, x है, उसके पावर में क्या है 0, तो 0 हो गया इसका पावर। तो वेरिएबल के पावर में जो होता है, वेरिएबल के पावर में जो होता है उसी को पावर कहते हैं, वेरिएबल के हेड पे जो होता है उसी को हम पावर कहते हैं। अगर किसी टर्म में 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है तो तीनों के हेड पे जो नंबर है उसको जोड़ दे, तीनों के हेड पे जो नंबर उसको जोड़ दे, जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका पावर कहलाएगा। जैसे अगर एक और एग्जांपल हम देखें, 6x²(y+z²) - 7x²(x³)+8xy-9z। अगर यहां पे कोई पूछ दिया पावर क्या है, तो यहां एक्स वाई जेड तीनों का तीनों वेरिएबल है, तीनों का तीनों क्या है वेरिएबल, तो इस टर्म में 3 वेरिएबल। अब x के हेड पे 2 है, y के हेड पे 1 है और z के हेड पे 2 है, तीनों को जोड़ दे क्या आएगा 5। तो 5 जो हो गया वो फर्स्ट टर्म का क्या हो गया पावर, सेकंड टर्म का पावर क्या आएगा 3, क्योंकि x के पावर पे 3 है। थर्ड टर्म का पावर क्या आएगा, तो x के पावर में 1 है, y के पावर में 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका पावर क्या हो गया 2। यहां पे 9z है, इसमें वेरिएबल 1 है और z के पावर में क्या है 1, तो इस टर्म का जो पावर हो गया वो क्या हो गया 1। तो पावर का मतलब वेरिएबल के हेड पे जो है, अगर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल मौजूद है किसी टर्म में तो सब के हेड पे जो भी नंबर है सबको जोड़ दे, सबको जोड़ दे, जोड़ने के बाद जो आएगा वही क्या कहलाएगा पावर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिग्री। अब हम यहां क्या देखते हैं डिग्री, डिग्री क्या होता, पावर जो है वो हर एक टर्म से रिलेटेड होता है, याद रखे पावर अगर कोई पूछ रहा है तो पावर हर एक टर्म से रिलेटेड होगा। फर्स्ट टर्म का पावर कुछ होगा, सेकंड टर्म का पावर कुछ होगा, थर्ड टर्म का पावर कुछ होगा, लेकिन डिग्री जो होता है वो पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक होता है, याद रखे डिग्री पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या होता है एक। अब जैसे अगर हम डिग्री की बात करें तो पहले हम लिख देते हैं 2x³ - 5x²+7x+2। ध्यान दें, हम यहां पे पहले पावर की बात करते हैं, तो फर्स्ट टर्म का पावर, पावर मतलब क्या बताए, वेरिएबल के पावर, वेरिएबल के जो हेड पे, तो ये 3, तो इसका पावर हो गया 3, इसका पावर हो गया 2, इसका पावर हो गया 1, इसका पावर हो गया 0। अब इस पावर में देखें, इस पावर में हाईएस्ट पावर कौन है, तो 3। तो जो हाईएस्ट पावर होता है पूरे एक्सप्रेशन का वो डिग्री कहलाता है, जो हाईएस्ट पावर होता है पूरे एक्सप्रेशन का वो क्या कहलाता है डिग्री। इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर है 3, तो 3 इस पूरे का डिग्री हो गया, 3 इस पूरे का क्या हो गया डिग्री। डिग्री हमेशा रिलेटेड होता है पूरे एक्सप्रेशन में, और पावर जो होता है वो हर एक टर्म का होता है, हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है, हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है डिग्री। जैसे और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, अगर मेरे पास है 7x³y²-4x⁴
प्लस 5 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7 एक्स वाई माइनस 9। यहां पे अगर हम पावर की बात करें पहले, तो इसका पावर हम देखें, इसमें कितना अननोन है, कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल एक्स और वाई, इन दोनों के हेड पे जो नंबर है 3 और 2, दोनों को हम जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। यहां पे देखिए हेड पे क्या 4, यहां पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसके हेड पे 1, इसके हेड पे 2, दोनों को जोड़ दे तो 3, यहां 1 यहां 1 दोनों को जोड़ दे तो 2, और यहां कुछ नहीं मतलब 0। अगर कांस्टेंट है ना एक्स है ना वाई है, मतलब उस टर्म का जो पावर होगा वो 0 होगा। अगर खाली कोई नंबर है 9 है 5 है 6 है, तो उस टर्म का जो पावर होगा वो क्या होगा 0। अब यहां पे गौर करें पावर, इसका पावर है 5, इसका पावर है 4, पावर 3, पावर 2, पावर 0। अब इस पावर में हाईएस्ट पावर कौन है, तो 5। हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है 5, तो 5 क्या हो गया डिग्री। याद रखे हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज द डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज द डिग्री। तो ये था डिग्री का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर एक टर्म का पावर पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। ध्यान दें, हर एक टर्म का जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन वो पॉलिनोमियल हम उसको तभी कहेंगे जब वो दो कंडीशन को मानेगा। पहला कंडीशन कि पावर में हर एक टर्म के पावर में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन हर एक टर्म के पावर में इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि जो पावर आना चाहिए हर एक टर्म का वो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। जैसे यहां पे अगर हम देखें 5x³ - 4x² + 6x - 3, अगर हम इस फर्स्ट टर्म के पावर को देखें, फर्स्ट टर्म के पावर को, तो फर्स्ट टर्म का पावर क्या है 3 है। अगर हम सेकेंड टर्म के पावर को देखें तो सेकेंड टर्म का पावर क्या है 2 है। अगर हम थर्ड टर्म के पावर को देखें तो थर्ड टर्म का पावर क्या है 1 है। अगर हम कांस्टेंट के पावर को देखें, कांस्टेंट का पावर हमेशा 0 होता है, तो इसका पावर क्या है 0। गौर करें यहां पे जो पावर आया है वो पॉजिटिव इंटीजर, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है एक पॉलिनोमियल। इसको अगर हम देखें तो यहां पे भी गौर करें, इसका पावर क्या है 4, तो 4 आया। इसका पावर क्या है 3, तो 3 आया। इसका पावर क्या है 2, तो 2। इसका पावर देखें 1, तो 1। और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर क्या होता है 0। यहां पे गौर करें हर एक टर्म का जो पावर आ रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, मतलब कि ये क्या है पॉलिनोमियल, ये क्या है पॉलिनोमियल। अगर किसी का भी पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया किसी भी एक का, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें x³ + √x - 7 की, तो गौर करें यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसका तो पावर 3 निकल जाएगा, लेकिन इसको अगर हम देखें रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हम क्या लिखेंगे x का पावर 1/2। अब यहां पे खुद देख सकते हैं कि x के पावर में क्या दिख रहा 1/2, 1/2, 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं है, 1/2 इंटीजर नहीं, ये क्या एक रैशनल नंबर है। 1/2 इंटीजर नहीं ना, बस इंटीजर ध्यान रखो, 1/2 अगर इंटीजर नहीं है तो ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर तुम्हारे पास है 4x² - 7x² + 1/x + 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x² - 7x² ये जब ऊपर जाता है तो ये x² - 1 + 2 बनता है। यहां पे देखो हेड पे क्या है 5, यहां पे हेड पे क्या है 2, लेकिन यहां पे हेड पे क्या आ गया -1। इसका पावर 5 है, इसका पावर 2 है, लेकिन इसका पावर क्या है -1।
हम क्या बताएं कि पॉलिनोमियल बनने के लिए पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर कहां पे? पावर में। यहां पे पावर में नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बताओ लालू, अच्छे से समझ में आया भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉन्स्टेंट वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन से बनता है। पावर क्या होता है? जो वेरिएबल है उसके हेड पे जो है, जितना अगर दो वेरिएबल है तो दोनों को जोड़ दे, दोनों के हेड को जोड़े, जो आएगा वही पावर। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री होता है। पॉलिनोमियल कब बनेगा? जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हर एक टर्म का पावर पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे देखो, इसका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, इसका भी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसका पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये था पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री। कितने तरह का पॉलिनोमियल होता है डिग्री के रिस्पेक्ट में? तो एक लीनियर, लीनियर वर्ड जो बनता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हम उस तरह के पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसका डिग्री वन है। अगर डिग्री वन है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर डिग्री वन है तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। जैसे यहां पे देखिए, हम क्या लिखे, 3x + 5, तो इसका डिग्री वन है, सॉरी इसका पावर वन है और इसका पावर क्या है? जीरो। तो एक वन है और एक जीरो है, तो ये तो पावर हो गया ना वन और जीरो। डिग्री क्या हो गया? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है? वन। तो इसका डिग्री जो है वो वन है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। इसमें देखे तो इस टर्म का डिग्री क्या आएगा? वन। इस टर्म का डिग्री क्या आएगा? वन। इस टर्म का, सॉरी डिग्री नहीं, पावर। इस टर्म का पावर क्या आएगा? वन। इस टर्म का पावर क्या आएगा? वन। और इस टर्म का पावर क्या आएगा? जीरो। तो पावर वन, पावर वन और पावर जीरो। डिग्री की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर क्या है? वन। तो इसका डिग्री क्या हो गया? वन। तो जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री वन हो, जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री वन हो वो कहलाता है लीनियर। अब लीनियर में भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल वेरिएबल और एक होता है डबल वेरिएबल। यहां पर गौर करें, यहां पे क्या है? 3x + 5 है ना, तो ये लीनियर तो है। क्यों लीनियर है? क्योंकि इसका डिग्री वन है। और ये सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है खाली, x। तो ये लीनियर है इन सिंगल वेरिएबल। यहां पे गौर करें, मेरे पास क्या था? 5y + 3x + 2। ये भी लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि डिग्री क्या है? वन। ये भी लीनियर है क्योंकि डिग्री क्या है? वन। लेकिन इस लीनियर में दो वेरिएबल, एक एक्स है और एक वाई, तो इसको कहेंगे लीनियर इन टू वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। याद रखें, अगर एक्स है, एक ही है खाली एक्स या खाली वाई है, तो वो सिंगल वेरिएबल। अगर एक्स और वाई दोनों मौजूद है तो डबल वेरिएबल। अगर एक्स वाई जेड भी मौजूद हो, जैसे अगर आपके पास है 3x - 5y + 7z + 2 = 0, तो गौर करें, इसका पावर वन, इसका भी पावर वन, इसका भी पावर वन, इसका पावर जीरो। तो डिग्री तो वन हुआ, तो डिग्री वन होने की वजह से क्या बन गया? लीनियर। लेकिन यहां पे कितना वेरिएबल है? एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो ये लीनियर है इन थ्री वेरिएबल। तो लीनियर मतलब क्या होता है? डिग्री क्या होना चाहिए? वन। अब होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में डिग्री टू होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में डिग्री टू होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको देखें तो गौर करें, इसका पावर क्या है? टू। इसका पावर क्या है? वन। और इसका पावर क्या है? जीरो। तो पावर तो टू है, इसका पावर वन है, पावर जीरो है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन है? टू। तो टू जो हो गया वो डिग्री हो गया, टू क्या हो गया? डिग्री। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? टू। अच्छा, अब ये पॉलिनोमियल में खाली एक वेरिएबल है, कौन है? एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक है इन वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल कौन है? एक्स। यहां पे गौर करें, 3y² - 8y + 5, इसका अगर हम पावर देखें तो 2, इसका अगर हम पावर देखें तो 1, इसका पावर अगर हम देखें तो 0। तो इसमें पावर 2 है, 1 है और 0 है। अब इस पावर में हाईएस्ट पावर कौन है? 2। तो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल है ना, y, तो ये क्वाड्रेटिक है इन सिंगल वेरिएबल y। ये क्वाड्रेटिक है इन सिंगल वेरिएबल y। अगर तुम्हारे पास है 5
एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस एट वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। गौर करो यहां पे भी इसका पावर टू, इसका भी पावर टू, इसका पावर वन, इसका पावर वन, इसका पावर जीरो। तो यहां पे पावर टू टू वन वन जीरो, तो हाईएस्ट पावर क्या है टू, तो इसका डिग्री क्या हो गया टू, डिग्री क्या हो गया टू। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो ये क्वाड्रेटिक है इन टू वेरिएबल, इसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल। तो अगर खाली एक वेरिएबल मौजूद हो तो सिंगल वेरिएबल, दो हो तो डबल वेरिएबल। लीनियर में डिग्री क्या होगा वन, क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगा टू। फिर आता है क्यूबिक, क्यूबिक में होता है डिग्री थ्री, अगर डिग्री थ्री है तो वो क्यूबिक कहलाएगा। या देख सकते हो यहां डिग्री क्या है थ्री, पावर इसका थ्री, इसका पावर टू, इसका पावर वन, इसका पावर जीरो। तो हाईएस्ट पावर इसमें कौन है थ्री है, तो थ्री इसका क्या हो गया डिग्री। तो डिग्री अगर थ्री है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक, डिग्री अगर थ्री है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं क्यूबिक। यहां पे देख सकते हो यहां पे, अच्छा ये सिंगल वेरिएबल में था तो ये क्यूबिक है सिंगल वेरिएबल। यहां पे कितना वेरिएबल दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है और वाई भी दिख रहा है, तो ये डबल वेरिएबल, ये क्या है डबल वेरिएबल। अब पावर निकालो, इसका पावर देखो यहां दो वेरिएबल है, तो एक्स के पावर में टू है और वाई के पावर में वन, दोनों को जोड़ दो थ्री आया, यहां पे टू आया, यहां पे वन आया, यहां पे जीरो। अब पावर आया थ्री, फिर आया टू, फिर आया वन, फिर आया जीरो, तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन है थ्री, तो थ्री इसका क्या हो गया डिग्री। तो जिस इक्वेशन में मतलब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री थ्री होगा वो क्यूबिक कहलाएगा, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री टू होगा वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री वन होगा वो लीनियर कहलाएगा, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री फोर होगा, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा फोर, वो कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री जो होता है वो फोर होता है। यहां पर आप खुद देख सकते हैं डिग्री क्या है फोर, तो यह क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक। यहां पर भी देखे डिग्री, यहां पे देखो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल x का पावर में टू, y का पावर में टू, तो इस पूरे टर्म का पावर क्या होगा फोर। यहां पे भी दो वेरिएबल x का पावर में टू, y के पावर में वन, तो इस पूरे टर्म का पावर क्या होगा थ्री, इस पूरे टर्म का पावर वन, इस पूरे टर्म का पावर जीरो। तो ये पावर हो गया हर एक टर्म का, इस पावर में हाइएस्ट पावर कौन है फोर, तो डिग्री क्या हो गया फोर, तो डिग्री फोर है तो वो क्या कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक। अगर x है तो सिंगल वेरिएबल, x और y दोनों है तो टू वेरिएबल, x y z तीनों है तो ट्रिपल वेरिएबल। तो ये था पॉलिनोमियल, अगर डिग्री वन होगा तो लीनियर, डिग्री टू होगा तो क्वाड्रेटिक, डिग्री थ्री होगा तो क्यूबिक, डिग्री फोर होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। अब हम पॉलिनोमियल का डिवीजन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, टर्म्स समझते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे तीन तरह का पॉलिनोमियल होता है। एक कहलाता है मोनोमियल, मोनोमियल में केवल एक टर्म होगा, याद रखें मोनोमियल में केवल एक टर्म होगा। देखिए यहां पे एक टर्म है, यहां पे भी एक टर्म है, और यहां पे भी क्या है एक टर्म। अगर कह दिया कि 2x ये क्या है, तो ये एक मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है 2x। बाइनोमियल, बाइनोमियल में दो टर्म होता है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में तीन टर्म। तो पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं तीन तरह से, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, और एक होता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म, ट्राइनोमियल में तीन टर्म। यहां पे देखें बाइनोमियल में कितना टर्म्स है, दो, थ्री प्लस सिक्स एक्स दो टर्म है, सेवन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर दो टर्म है, एक्स प्लस फाइव वाई दो टर्म है, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म, जैसे एट प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे गौर करें इसमें कितना टर्म है, तीन टर्म है। यहां पे देखें थ्री वाई माइनस फाइव एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर, इसमें कितना टर्म है, तीन टर्म है, तो ये सब ट्राइनोमियल कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म, ट्राइनोमियल में तीन टर्म। तो ये था आपका डिवीजन। अब एक होता कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में
एक ही टर्म होगा और वो खाली कांस्टेंट होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में खाली एक ही टर्म होगा और वो केवल कांस्टेंट होगा, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो जीरो होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा जीरो। जैसे सेवन, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सेवन क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। माइनस एट, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा? वन। तो ये था पॉलिनोमियल का पहला लेक्चर। इसको अच्छे से करना है, जितना भी चीज बताए हैं, जितना भी चीज आज हम अच्छे से इसमें बताए हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपस में डिस्कशन करो। अगर डिस्कशन करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आता है लालू और रिंकी तो मेरे को बताओ, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। एक लिंक मैंने शेयर किया ग्रुप का, उस लिंक से आप उस ग्रुप में ऐड हो जाए, क्लास नाइन्थ के ग्रुप में, उस पर आपको प्रॉब्लम मिलता रहेगा। टेलीग्राम का भी लिंक है, उस पर भी आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम के लिंक पे भी आप लोग इन कर सकते हैं। उस पर आपको क्लास नाइन्थ का हर लेक्चर के बाद जो भी लेक्चर हम करवाएंगे उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिलता रहेगा। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।